हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो तो आज हम बेटा करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पहले आपने समझिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है। मैंने क्या कहा कि सपोज करो कि हमारे पास यहां पर ये अर्थ है, राइट? ये हमारे पास क्या है? अर्थ, राइट? अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है? और हमारे पास जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। मतलब अगर हम सिंपल बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरफ को इंक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का, क्या बोले हम उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे हम अर्थ की तरफ आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। मतलब अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसर है, राइट? जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के पास वो क्या है? डेंसर है। तो अगर वो डेंसर है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा एटमॉस्फेयर का। तो इसमें हमने क्या बोला कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ता है, राइट, तो उतनी रिफ्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम यहां पर स्टार देखते हैं, लेट अस सपोज मैं यहां पर एक स्टार देख रहा हूं, ये स्टार, क्लियर, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? स्टार है। मैं इसको देख रहा हूं, यहां पर खड़े होकर स्टार को देख रहा हूं। अब स्टार को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि स्टार से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, तभी मैं उसको देख रहा हूं। अब जब स्टार से लाइट आएगी तो वो कहां से कहां तक आएगी? वो आएगी रेयर टू डेंसर, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास है वो रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। रेयर मीडियम, आर ए आर ई आर, रेयर मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, रेयर, आर ए आर ई आर, रेयर, जब इसको एयर मीडियम बोलते हैं, राइट, या हम वैक्यूम भी बोलेंगे, वैक्यूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता ही, क्लियर? जब वहां पर कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वहां? तो अगर हम रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं तो रेयर मीडियम मतलब वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। और ये क्या है हमारे पास? यहां पर डेंसर मीडियम। जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आते जाओगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जब वहां से स्टार से लाइट आ रही है वो कहां से कहां आ रही है? वो आ रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम। समझ आई? क्या बोला हूं? जब स्टार से लाइट हमारे पास आ रही है वो कहां से कहां आ रही है? वो आ रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम। और मैंने आपको ये डायग्राम एक बताया था कि जब हमारे पास लाइट आती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये मान लो एयर है, यहां पर क्या है? ग्लास है। और ग्लास का डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये रे जानी थी सीधी अगर ये ग्लास ना होता, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये बेंड कर गई, क्लियर है? बेंड कर गई। सेम थिंग विद द स्टार, ये देखो ये स्टार था, ये हमारे पास ग्लास की जगह क्या है? एटमॉस्फेयर, क्लियर? ग्लास की जगह क्या है? यहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर। और ये हमारे पास रेयरर मीडियम है। जब स्टार से लाइट आ रही है वो आ रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर हमारी आई यहां पर है इस पॉइंट के ऊपर, तो आप ध्यान से देखो कि आपको ये रे, अब आपकी आई तो ऐसे है नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा देखो, आपको स्टार दिख रहा है लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा स्टार, वो कहां पर दिखेगा? ये देखो, ये आप, आपकी आई जो है वो बिल्कुल सीधा दिखेगी। स्टार कहां पर था? दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन। क्या है ये? ओरिजिनल पोजिशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट, मतलब रियल पोजीशन। ओरिजिनल मतलब रियल पोजीशन, दिस इज एपरेंट, एपरेंट पोजीशन। अब एपरेंट पोजीशन मतलब जो हमें दिखाई दे रही है,
स्टार कहां पर था? इस पॉइंट के ऊपर। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर किया, इट जो इसकी रे थी दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज हम रेयर टू डेंसर, वो लाइट जो है वो कहां से कहां आ रही है, रेयर टू डेंसर आ रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही वो बेंड करेगी तो हमें क्या दिखाई देगा, हमारी आई तो हम सीधा देखती है। अब ऐसा तो ना कि हम ऐसे देखेंगे फिर ये टेढ़ा दिखाई देगा, तो हमें ये स्टार जो है वो यहां पर दिखाई देगा। समझ आ गई? क्लियर है? तो इसका मतलब जहां पर स्टार होता है उसकी हम एक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें पता नहीं चलती है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि अगर हम किसी स्टार को देख रहे हैं तो वो स्टार की पोजीशन जो है वो एपरेंट पोजीशन होती है, वो स्टार की पोजीशन जो है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। कभी भी आप स्टार को देखोगे आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलेगी, वो एपरेंट पोजीशन। क्योंकि स्टार जो है, अगर मान लो यहां पर दिखाई देगा आपको, यहां पर मैंने बता दिया। क्लियर है? समझ आ गई? तो ये क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, मतलब हम स्टार की जो रियल पोजीशन है वो हम क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि क्यों नहीं देख सकते बेटा? क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आएगा कि स्टार जो है वो आपको रियल पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं दिखाई देता, तो आपने सिंपल बोला ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद आपने ये एक्सप्लेन कर देना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एटमॉस्फेयर का, डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब अर्थ के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, राइट? अर्थ के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एटमॉस्फेयर का ज्यादा है, तो जब रे ऑफ लाइट स्टार से आती है तो वो आती है रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो स्टार की पोजीशन है वो कहां पर दिखाई देगी, इस तरफ को, या स्टार इधर देख रहे हो कहीं भी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसमें क्या होगी, वो रे जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। हमारी आई तो सीधी देखेगी, अब हमारी आई ये नहीं है कि हम ऐसा डेटा देखेंगे, हमारी आई ने सीधी रे देखनी है। तो इसका मतलब ये स्टार जो है इसके बीच में इसको यहां पर दिखाई दे रही है, दैट इज एपरेंट पोजीशन। पता चल गया? मतलब आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो अगर रेयर टू डेंसर आ रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब हमें रियल पोजीशन ऑफ स्टार जो है वो दिखाई नहीं देगी। गॉट इट? क्लियर है? अब हमारे पास ऐसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को हम कैसे करेंगे, ये समझ आ गया बेटा? समझ आ गई? ओके, अब हम करेंगे बात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन पता चल गया, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होती है, कि एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो हमारे पास अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स है, राइट? और हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। बहुत सारी लेयर्स हैं, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये पढ़ा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसमें, SST में पढ़ा होगा, ठीक है? तो हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार का बताया कि हमारी रे जो है वो रेयर टू डेंसर आ रही है, इसलिए स्टार आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों करता है। मान लो आपके सामने बल्ब, आपके घर में बल्ब है, वो ट्विंकलिंग करता दिखाई देता आपको, नहीं देता। लेकिन वही बल्ब अगर पहाड़ी के ऊपर तो आपको क्या दिखाई देगा, वो ट्विंकलिंग करता दिखाई देगा, ठीक है? क्यों होता है ऐसे, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जब आप बात करोगे तो ट्विंकल का मतलब वो टिमटिमाना है ना। मैंने क्या बताया कि जो लाइट मिट हो रही है बाय द स्टार्स दैट इज रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूसली बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिफोर इट रीच द अर्थ। अब मैंने पहले आपको सिंपल एक स्टार की बात बताई, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये मिटा दूंगा, कंफ्यूज करेगा ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, यहां पर कहीं स्टार है, ठीक है? क्लियर? हम अर्थ के ऊपर उस स्टार को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे ही स्टार से लाइट आएगी, ये स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, अब डिफरेंट लेयर्स में से जाएगी, स्टार से जो लाइट आएगी वो डिफरेंट लेयर्स में से
होके जाएगी। अब ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग अलग है, राइट। तो यहां पर मान लो सपोज करो ये आ रही है रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये यहां पर, फिर यहां पर सीधी आ गई, यहां से रिफ्रैक्ट होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होगी। मतलब आपके पास जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीपल रिफ्रैक्शन, हर लेयर उसको क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। तो जो लाइट है मिटेड बाय द स्टार्स, दैट इज रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूसली बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हर लेयर उसको क्या कर रही है, क्योंकि हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग अलग है। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ आ गई? मतलब हमारे पास जो स्टार की लाइट आ रही है उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है जब वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रही है। गॉट इट? पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, हमारे पास जो पोजीशन है एपरेंट पोजीशन की वो क्या होती है, मतलब जो एपरेंट पोजीशन है वो भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। समझ आ गई? मतलब कभी स्टार आपको, अगर इस लेयर के अकॉर्डिंग देखे स्टार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट, इस लेयर के अकॉर्डिंग देखे स्टार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्टार की पोजीशन जो एपरेंट पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि हर लेयर जो है उसको रिफ्रैक्ट कर रही है। तो मैंने एक लेयर का आपको बता दिया था यहां पे, तो हर लेयर अगर ऐसा काम कर रही है तो स्टार कभी इधर, कभी ऐसे दिखाई देगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो अगर आप किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? वो कभी यहां पर दिखाई देगा, कभी यहां, तो वो क्या दिखाई देगा? टिमटिमाता दिखाई देगा। समझ आ गई? मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए कि वाई स्टार ट्विंकल्स, तो आपने बोला दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पहली बात। नंबर टू, आपने क्या बोलना है कि जो लाइट एमिट हो रही है, द लाइट एमिटेड बाय द स्टार्स, दैट इज रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूसली बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिफोर इट रीचेस द अर्थ। अर्थ के ऊपर पहुंचते पहुंचते उसमें क्या होती है? डिफरेंट लेयर्स में जब से वो जाता है तो उसमें बहुत सारी क्या होती है? डिफरेंट रिफ्रैक्शंस होती हैं। तो ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमारे पास जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है। जब टेम्परेचर डेंसिटी चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका मतलब जब रे ऑफ लाइट आएगी तो वो डिफरेंट मीडियम से होके आएगी, तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन होगी, उसके कारण हमारा स्टार जो है उसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अभी तो मैंने एक लेयर की बताई थी आपको, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट बहुत सारी लेयर्स हैं। तो कभी स्टार इधर दिखाई दे रहा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इसका मतलब क्या है? वो आपको जो लाइट आ रही है स्टार से, वो कभी यहां पर, यहां से स्टार दिखाई देगा तो ऐसे लगता है कि वो स्टार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? टिमटिमा रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। अब मैंने बता दिया कि जो स्टार है वो क्यों ट्विंकल करता है? ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिपीटेड, आपके पास आ गया ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नंबर टू मैंने बताया ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो मैंने कितनी बातें बताई। पहले मैंने बताया कि जब हम स्टार की बात करते हैं तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कौन सी रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला मैंने स्टार के केस में आपको बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। नंबर टू मैंने रिफ्रैक्शन बोला है, रिफ्रैक्शन नहीं बोला बेटा, रिफ्रैक्शन। फिर मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो है रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है उसका? चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोर्थ मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स,
एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक, अगर आपको बताया कि स्टार क्यों ट्विंकल कर रहा है, मैंने देखो कितनी बातें बताई, अगर आप लिख दोगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दो नंबर क्वेश्चन एक में मिलेगा। अगर आप उसके बाद लिखते हो ड्यू टू रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आधा नंबर और दे देंगे। अगर आप ये पूरा लिखोगे और साथ में डायग्राम बनाओगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर और डेंसिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर डेंसिटी चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा डिफरेंट लेयर्स का, तो वहां पर जो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी, राइट। और ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही है, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब स्टार ट्विंकल क्यों कर रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और हमारे पास जो लाइट आ रही है सन से, उसमें क्या हो रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्टार से, उसमें रिपीटेड रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। क्यों होती है, मैंने बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर की जब चेंज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर होगी बात, वेरी गुड। अब मैंने क्वेश्चन बताया कि स्टार तो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करता है। व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्लैनेट्स, स्टार तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। क्या पता कोई प्लैनेट ट्विंकल करता हो, लेकिन जनरली प्लैनेट्स दे डू नॉट ट्विंकल, वो ट्विंकलिंग करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, जो प्लैनेट्स हैं दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ, ध्यान से सुनना, जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स, स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं, एंड दे आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, मतलब वो एक्सटेंडेड सोर्स की तरह हम उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। If we consider a planet as a collection of large number of points, मतलब हमारे पास जो planets है वो अर्थ के क्या होते हैं, near about होते हैं, तो हम उसको क्या मानते हैं कि ये जो planet है इसमें जो sources हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। star like, star तो छोटा सा होता है, इसमें star like बहुत से sources हम करते हैं, number of points sources, ध्यान से सुना, this is very important। मतलब मैंने क्या बोला कि प्लैनेट्स जो हैं दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट्स जो होते हैं वो अर्थ के बिल्कुल मतलब मच क्लोजर देन स्टार्स, प्लैनेट्स अर्थ के क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम प्लैनेट को कंसीडर करें एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज collection of large number of point sized source of light, sources of light, point sized sources of light, मतलब जब हम इस planet को हम एक star की तरह consider कर सकते हैं, because star तो बहुत दूर होते हैं और planet जो है वो अर्थ के बिल्कुल पास होते हैं। आपने देखा होगा कि जो solar system है उसमें बिल्कुल पास का मतलब ये नहीं कि ये आपने पकड़ा और दूसरे planet में चले गए, मतलब as compared to stars planets जो है they are much closer to earth, okay। तो अब जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के बहुत क्लोज हैं और हम प्लैनेट को कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज्ड, मतलब ये जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, एक प्लैनेट को हम स्टार की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट सोर्सेज है, और हर पॉइंट सोर्सेज से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूं, इससे भी क्या आएगी, लाइट आएगी, इस पॉइंट सोर्स से भी लाइट आएगी, इस पॉइंट सोर्स से भी लाइट आएगी, इस पॉइंट सोर्स से भी, ये भी क्या करेगा, क्योंकि हमारे हम यहां पर खड़े हैं तो हमारी आई के ऊपर लाइट तो आ रही है इनकी, इसकी लाइट आएगी इसमें भी रिफ्रैक्शन होगी, इसकी लाइट आएगी इसमें भी रिफ्रैक्शन होगी, इसकी लाइट आएगी इसमें भी रिफ्रैक्शन होगी, मतलब जितने भी पॉइंट सोर्सेज हैं
उन सभी की लाइट जब हमारी आईज के पास आएगी, आईज के ऊपर पड़ेगी, हमारी रेटिना के ऊपर पड़ेगी, तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस होंगे, तभी हमारी आईज के ऊपर आएगी। तो जो टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो। कैसे? ध्यान से सुनना ये पॉइंट। ये स्टार है मान लो, ये अर्थ है, राइट, ये एटमॉस्फियर है, ये लाइट आई, राइट, रिफ्रैक्ट हो गई। मान लो हमें स्टार कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां, ठीक है, मेरी आई के ऊपर ये लाइट पड़ी है यहां पर, तो मुझे स्टार यहां पर दिखाई दिया। लेकिन ये एक स्टार नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज है, एक स्टार यहां पर मान लो सपोज करो, ये उसकी लाइट आई, वो भी रिफ्रैक्ट कर गई, उसने मुझे यहां पर देखी। मतलब जितने आपके पास स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट सोर्स लाइक अ स्टार। हम प्लैनेट को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, राइट। तो ये पॉइंट सोर्सेज अपनी अपनी लाइट जो है वो हमारी आईज के ऊपर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। लेकिन हर पॉइंट सोर्स जो है उसकी लाइट क्या हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो जो टोटल वेरिएशन आई इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई, एक ने दूसरे का फैक्ट कैंसिल कर दिया, दूसरे ने तीसरे कर दिया, तीसरे ने चौथे का कर दिया, चौथे ने पांचवें कर दिया, ऐसे ही करते करते उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, मतलब एक दूसरे की रिफ्रैक्शन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो टोटल जब हमारे पास इसकी लाइट हमारी आईज के ऊपर पड़ रही है, तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज दैट विल एवरेज आउट टू बी जीरो। टोटल रिफ्रैक्शन को क्या कर देंगे, जीरो, ठीक है। मान लो ये स्टार है, मुझे दिखाई यहां पर दे रहा है, दूसरे पॉइंट सोर्स ने इस स्टार को कहां पर दिखा दिया, यहां पे, तीसरे पॉइंट सोर्स ने इस स्टार को यहां पर दिखाई दिया, चौथे ने क्या कर दिया, फिर इसको यहां पर कर दिया। मतलब जब हम टोटल एवरेज देखेंगे तो हमारी रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, नलीफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्लैनेट है, दे डू नॉट ट्विंकल, पता चल गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे, आपने ये बोलना है कि प्लैनेट्स जो है दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट जो है दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ, एंड इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेज पॉइंट सोर्सेज दैट विल एवरेज आउट टू बी जीरो, सो देयरफॉर नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। समझ आ गई, ये इसका आंसर है, क्लियर। उसके बाद आ गया हमारे पास एडवांस सनराइज एंड सनसेट। आपको पता है एडवांस सनराइज और सनसेट क्या होता है, आपने कभी सुबह उठते ही नहीं हो, आप कहां उठते हो, अब तो स्कूल लगते ही नहीं है, कौन उठता है। आपको पता है कि जब हम सुबह सुबह सन निकलता है, जैसे निकलता है सबसे पहले, वो असली सन नहीं होता है, वो एडवांस में आ जाता है। ऐसे जब सनसेट होता है, मतलब जब सनसेट होने वाला होता है, हम उसमें देखें तो सनसेट तो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। सन अभी निकला ही नहीं है, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। मतलब सुबह सुबह जब एकदम से सन राइज होता है, तो जब हम सन को देखते हैं, वो सन की ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती, सन तो अभी निकला ही नहीं है, लेकिन उसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो गया, आप बोलोगे ये कैसे। देखो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर आप एक लाइन ड्रा करो, टेंजेंट, जिसको हम हॉरिजन बोलते हैं, जो अर्थ के सरफेस से टच करके सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं हम इसको, हॉरिजॉन, एच ओ आर आई जेड ओ एन, इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब मॉर्निंग में जब हमारा सन जो है वो राइज हुआ ही नहीं था, पहले देखो यहां पर था सन, सन कहां पर था, इस पॉइंट के ऊपर। अब सन ने तो सारी तरफ क्या करनी है, लाइट भेजनी है, सारी तरफ लाइट भेजनी है सन ने, वो भेजनी है कि नहीं, भेजनी है, क्लियर। अब मैंने क्या बताया कि यहां पर जो लेयर्स होती हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा होता है, इज दैट क्लियर। तो जो हमारे पास, मान लो ये लाइट जा रही है, देखो यहां से लाइट जा रही है,
राइट, ये कहां से कहां जा रही है, क्योंकि लेयर हमारे पास क्या है अप। जब सन नियर द होरिजोन होता है इन द मॉर्निंग और एंड इन द इवनिंग, चाहे मॉर्निंग की बात ले लो चाहे इवनिंग की बात ले लो, इन द मॉर्निंग और इवनिंग जो सन है दैट इज नियर द होरिजोन, क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेयर्स का ऑफ द एटमॉस्फियर दैट डिक्रीजेस विद हाइट, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन आर रिफ्रैक्टेड मोर देन दोज फ्रॉम द अपर एज ड्यू टू द पैसेज थ्रू ग्रेट थिकनेस ऑफ द एयर, मतलब ये जो हमारे पास रे आ रही है लोअर एज की रेज, जब सन की हमारे पास लाइट आ रही है तो जब वो यहां पर है तो ये रे आई, ये क्या करगी रिफ्रैक्ट करके, मान लो हम यहां पर देख रहे हैं रिफ्रैक्ट कर गई तो रे तो आई वो क्या करगी रिफ्रैक्ट कर गई, लेकिन हम कहां देख रहे हैं हमें सन कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई, समझ आई। ये रे ऑफ लाइट आई ये क्या कर गई इट बेंड्स, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या होती है रेयर टू डेंसर जाती है, तो रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब नियर द होरिजन की हम बात कर रहे हैं तो होरिजन में हम क्या बोल रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट आपके पास आती है इट बेंड्स, ये देखो मान लो यहां पर कर देता हूं आपको, ये देखो ये होरिजन है ना, तो रे ऑफ लाइट आई होरिजन के पास यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची ये रे ऑफ लाइट बेंड कर गई ऐसे, जब ये बेंड कर गई तो हमें तो यहां पर दिखाई दे रही है, देखो ये यहां पर दिखाई दे रही है ऐसे बेंड कर गई ना ये। अब अगर हम देखें यहां पर देख रहा है कोई बंदा तो उसको रे ऑफ ऐसे थोड़ा देखेगा उल्टा, उसको तो यहां से सीधा दिखाई देगा, तो सन कहां पर दिखाई देगा यहां, मतलब कि जब हमारे पास सन की रेज पहुंचती हैं वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, जब रिफ्रैक्ट कर जाती हैं तो हमें सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाई नहीं देती, हमें क्या देती है एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या बोलोगे कि हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट आती हैं फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन दे आर रिफ्रैक्टेड मोर देन दोज फ्रॉम द अपर एज ड्यू टू द पैसेज थ्रू द ग्रेटर थिकनेस, मतलब जो रे ऑफ लाइट सन से आ रही है उसमें क्या हो जाती है रिफ्रैक्शन हो जाती है, रिफ्रैक्शन होने के कारण हमारे पास जो सन की पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, वो कौन सी पोजीशन दिखती है एपरेंट पोजीशन, मतलब सन यहां पर दिखाई नहीं देगा यहां पर दिखाई देगा, गॉट इट क्लियर। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो सनराइज सनसेट और सनराइज में 2 मिनट का डिफरेंस क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूं ये वाला इसमें 2 मिनट लगते हैं, सन जब यहां से यहां तक आएगा, मैं देखो अभी सनराइज हुआ ही नहीं था, सनराइज हुआ ही नहीं था लेकिन हमें सन दिखाई दे रहा है, क्यों दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसके कारण एटमॉस्फेयर, सन यहां पर था उसने रेडिएशन उसकी रेज जो है वो हमारी आईज तक पहुंची बट वो रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के कारण हमें यहां पर दिखाई दे रही है। सेम थिंग सेम जो हम चीज वहां पर अप्लाई करेंगे एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन, सुबह और शाम को सन को देखना बड़ा होता है, सुबह और शाम को अगर आप देखोगे सन जो है उसका साइज क्या होता है बड़ा होता है, रेड क्यों होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसका साइज जो है देखना ध्यान से वो बड़ा होता है, राइट रेड कलर का होता है और साइज भी उसका बड़ा होता है, उसको बोलते हैं एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन। उसमें भी वही कि ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज हमारा सन जो है वो नियर तक क्या होता है हॉरिजॉन होता है, तो क्या होगा जो हमारे पास लोअर एज है और अपर एज है वहां से जब लाइट आएगी तो उनमें रिफ्रैक्शन क्या होगी, लोअर एज में ज्यादा होगी, अपर एज में क्या होगी रिफ्रैक्शन क्या होगी कम होगी, क्योंकि जब लोअर एज की बात करोगे वो ज्यादा किसमें से आएगा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लेयर में से, लोअर एज जो है उसकी जो रेज जो है वो ज्यादा कहां से आएंगी कौन से एटमॉस्फेयर में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा है, राइट क्योंकि नियर द होरिजन है, तो नियर द होरिजन जो भी लेयर हमारे पास होरिजन के पास है, होरिजन के पास एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्या होता है थिक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे ही लेयर वहां पर आएगी उसमें क्या होगी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी और वो उस पॉइंट से उसकी फ्लैटनिंग क्या होती जाएगी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, गॉट इट समझ आ गई, चलो तो ये क्वेश्चन सारे करने हैं, आपको नोट्स में भेज दूंगा, गुड बाय।